तो दोस्तों आज की इस नई एंड फेस वीडियो में जानेंगे जो बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या आप कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो छात्र हैं उनकी परीक्षा प्रमोशन से जुड़ी जो आज की लेटेस्ट अपडेट आई है उसके बारे में हम जानेंगे। आप सभी को मालूम है कि डे बाय डे जैसे भी भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी राज्य की यूनिवर्सिटी से कोई भी अपडेट आती है हम आप तक सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है। और जो अपडेट आई वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिएगा दोस्तों, जिससे आप लोगों को सटीक जानकारी मिल सके, ठीक है। और आप सभी को मालूम है कि हम आप तक कोई ना कोई अपडेट डेली बाय डेली प्रोवाइड करते हैं जो कि आप लोगों के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी को मालूम है कि मैं सब्सक्राइब के लिए कभी बोलता ना हूँ, क्योंकि मैं आप मुझे मालूम है कि जहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी, जहाँ से आपको जानकारी सही मिलेगी, उसी को आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा फर्ज है, मैं कह देता हूँ, लेकिन आपको जानकारी जब अच्छी लगेगी तभी तो आप सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो हमसे जुड़ेंगे ना। तो अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगेगी तभी लाइक करिएगा और तभी सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। ये जो आज की लेटेस्ट अपडेट आई है यहाँ पर लिखा है, आप लोग डेट देख लीजिए, जो अपडेट आती है लेटेस्ट मैं आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और लिखा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी 2021 कल या परसों मैंने जो वीडियो अपलोड की थी परसों, उसमें जितनी भी मैंने अपडेट दी थी वो लगभग यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनसे संबंधित थी। अगर आप यूपी के यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी अपडेट मैंने दी है यूनिवर्सिटी के बारे में, 16 यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या इससे जुड़ी या फिर इस यूनिवर्सिटी के नहीं है तब भी वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के लास्ट में मैं आपके भी यूनिवर्सिटी से संबंधित कुछ बातें करूँगा। लिखा है कि जुलाई से पहले प्रदेश के विश्वविद्यालय की हो सकती हैं परीक्षाएं, तो ये आज के न्यूज़ में आया है, उन्होंने लिखा है राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से जो अपडेट आया, लिखा है कि राजस्थान में कॉलेज व विश्वविद्यालय के उन 20 लाख स्टूडेंट का इंतजार अब समाप्त होने वाला है जो यह सोच रहे थे कि परीक्षाएँ होंगी या नहीं। बहुत सारे कॉलेज के छात्र जो असमंजस में थे कि परीक्षाएँ होंगी या नहीं होंगी, तो अब कॉलेज व विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जुलाई के अंत तक शुरू हो सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, जुलाई के अंत तक परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। परीक्षाओं को लेकर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा की। गौरतलब है कि राज्य सरकार परीक्षाएं करने के पक्ष में लेकिन अभी कमेटी की ओर से जो 3 विकल्प दिए गए थे उस पर मंथन किया जा रहा है। मीटिंग में इस बात पर भी जोर दिया गया कि एग्ज़ाम देने वाले छात्रों को कम से कम वैक्सीन एक डोज लगवानी ही चाहिए, ठीक है। परीक्षाओं के संबंध में सरकार जल्द गाइडलाइन जारी कर सकती है। अब 2 दिन बाद फिर से CM और उच्च शिक्षा मंत्री के बीच परीक्षाओं को लेकर मीटिंग होगी, जिसमें परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय हो सकता है, ओके। और लिखा है कि गौरतलब है कि यल यानी कि आप सभी को समझ सकते हैं लो, विश्वविद्यालय की VC डॉक्टर देवस्वरूप की कमेटी ने 10 दिन पहले ही अपनी सिफारिश सरकार को सौंप दी थी। अभी भी 20 लाख छात्रों को सरकार के फैसले का इंतजार, प्रदेश के विश्वविद्यालय व कॉलेजों 20 लाख छात्र हैं, फाइनल ईयर में 6.5 छात्र हैं, यानी कि 6.5 लाख छात्र हैं, सबसे बड़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी में UGPG के 5.46 यानी कि 5,46,000 छात्र हैं। कमेटी ने परीक्षाओं को लेकर दिए गए थे विकल्प। गौरतलब है डॉक्टर देवस्वरूप की कमेटी ने 10 दिन पहले सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें परीक्षाओं को लेकर 3 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें पहला सुझाव ऑफलाइन मोड में परीक्षा कराना था, दूसरे में जो सुझाव था वो MP और छत्तीसगढ़ के आधार पर ओपन बुक परीक्षा, वही अंतिम और तीसरा सुझाव ऑनलाइन परीक्षाएँ करवाने जाने का था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बाधा यह है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी और सुविधा का अभाव है, यानी कि नेट की कनेक्टिविटी रहेगी नहीं तो ऑनलाइन परीक्षाएं कैसे संभव हो पाएंगी। तो इन जो 3 रिपोर्ट जो सौंप तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इस पे कौन से बेस पे एग्ज़ाम कराए जाएंगे ये आने वाले दिनों पता हो जाएगा। लेकिन जो आज की मीटिंग में जो फाइनल निर्णय हुआ है वो हुआ है कि जुलाई के अंत तक आप सभी की जो परीक्षाएँ हैं वो कंडक्ट कराई जाएंगी, यानी राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय या फिर जितने भी कॉलेज हैं उन सभी छात्रों की। तो ध्यान रखिए, आप लोग तैयारी जारी रखिए और आप सभी की जो परीक्षाएं हैं वो जुलाई के अंत तक कराई जाएंगी। इस पर फाइनल जो निर्णय है वो 2 दिन के बाद होने वाला है, तो जैसे भी उच्च शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी की जो कन्वर्सेशन यानी कि जो मीटिंग होगी इसमें जो डिसीजन आएगा हम आप तक इन्फॉर्मेशन कर देंगे। लेकिन अभी के लिए ये अपडेट है, अब परीक्षाएँ होंगी, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव, बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।